Student, come and join me. I'm going to discuss some MCQ question of this polynomial chapter. See this question first. In this coefficient of x square, to x square 1, and coefficient of x square minus 1, and coefficient of x square pi by 2. Okay. The degree of 5t minus 7, degree of this is 1, the degree of this is 2, the degree of 3 is 0. See, 3 is constant, 3 is constant polynomial, and degree of the constant polynomial is 0. And x equal to 0, what is the value of x equal to 0? Put 0, 0, 0, 3. Your 3 is your answer. And this is x equal to minus 1 is 5 into minus 1 minus 5, or this is your term. See the question this. Okay, the value of this for p1, but this is 0, x ke jagah 1 put karoge to 1 minus 1 0 0 into 0 0 this. p0, so 0 0 0 2. Okay, this is your p2, put and find the value. Similarly, 0, 0, 0, 1. 1 this is. Okay. Join the worksheet 2. This is MCQ question. The 0 of the polynomial, how to find the 0? The 2x minus 7 equal to 0. Okay. 2x minus 7 equal to 0. So, 2x equal to 7, so x equal to 7 by 2. Similarly, you can find the 0 of the polynomial, 0 of the polynomial, which are the 0 of the polynomial, the x square minus 1. So x square minus 1 equal to 0, so x square equal to 1, so x equal to root 1 equal to plus and minus 1. Okay, plus minus 1 this. Similarly, you can find the 0 of the polynomial of which one of the following is the 0 of the this. So 0 equal to put equal to the 0, you'll get the minus m, x equal to minus m by l, minus m by l. Okay, come see which one of the following 0, so 5 by 5 this. इसी तरह आप सब निकाल लेना, ठीक है? कम देखते हैं और क्वेश्चन जो अच्छा हो. दिस इज द फैक्टर, क्वेश्चन नंबर 10, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर. तो जब आप फैक्टर थ्योरम यूज करो यहाँ पे कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर, देन p2 इक्वल टू 0, p2 इक्वल टू 0, व्हाट इज द p2? p2 इज रिमाइंडर. तो p2 निकालो, इसमें 2 डाल दो, इसमें तो 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 2 बाई 5 आ जाएगा आंसर आपका. ओके, कम वर्कशीट 3. इसी तरह आप निकाल सकते हो इसमें भी एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द दिस. इन द एक्सपेंडेड फॉर्म तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर ले लो. ये 95 इंटू 96 है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 100 माइनस 5 into 100 minus 6 यही लिखोगे. और फिर x माइनस a into x माइनस b वाले फॉर्मूले पे या मल्टीप्लाई भी कर दो, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम. ओके, इफ दिस क्वेश्चन नंबर 6 में आया, सामने जो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, देन द वैल्यू ऑफ a इज. तो फिर फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे कि x प्लस 2 फैक्टर है, तो क्या होगा, x इक्वल टू माइनस 2 आएगा. ओके, x प्लस 2 इक्वल टू 0 करोगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू माइनस 2 आएगा. यानी p माइनस 2 इज योर रिमाइंडर इक्वल टू 0 अगर फैक्टर है तो. ठीक है, तो अगर फैक्टर है तो ये तो कह ही रहा कि फैक्टर है, तो माइनस टू इसमें पुट करो और जीरो लाओ, माइनस टू पुट कर दो के, और फिर जो है ए का वैल्यू निकाल लेना.
ठीक है। हियर क्वेश्चन नंबर 7, दिस इक्वल टू डू दिस, तो 3xyz आपको पता ही है, 3xyz, 3xyz, द फैक्टर्स ऑफ दिस आर, इसको फैक्टराइज कर दो, मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग करके फैक्टराइज करके चेक कर लो। सिमिलरली द फैक्टर ऑफ दिस, सब फैक्टर निकाल लेना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, सबको पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और हीट एंड ट्रायल मेथड से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीनोमियल, बहुत अच्छी वक्सित है, देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीनोमियल, बता दो कौन नॉट पॉलीनोमियल। यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर है, रूट टू एक्स है, थ्री है, ये पॉलीनोमियल है। इसमें एक्स को देखा जाता है, वेरिएबल का पावर देखा जाता है कि कहीं नेगेटिव तो नहीं है, कहीं फ्रैक्शन तो नहीं है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर भी है, रूट टू है और एक्स है, ये एक्स के ऊपर रूट आ रहा है, इसलिए ये पॉलीनोमियल कभी नहीं हो सकता, बाकी सारे ठीक है। द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल इज व्हाट, 4, मैक्सिमम हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलीनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल 4। 0 ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स, 0 तो इक्वल टू 0 कर दो तो एक्स इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ए नॉट इक्वल टू 0 है, एक्स इक्वल टू 0 मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म ऑफ पॉलीनोमियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्म ऑफ ए पॉलीनोमियल, 2x, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा, ए रूट एक्स है, पावर रूट एक्स है, ये रूट एक्स है, तो दिस इज योर पॉलीनोमियल, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही है, जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए बहुत हो गया। तो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, सामने देखो क्वेश्चन नंबर 5 में देख लो, ये पी वन फाइंड करने, 1 पुट कर दो तो हो जाएगा 1 1, ये 5 12 9, चलो फैक्टराइज कर लेना, ए की प्लस बी की को फॉर्मेट लगा लेना, ए एक्स प्लस 1 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए बी हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा फर्स्ट तुम्हारा, अगर इसी तरह, ठीक है। अब इसमें कोई वैसा क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, ये पुट कर देना आ जाएगा, इसका डिग्री इज ए पॉलीनोमियल और डिग्री 1, ये पॉलीनोमियल है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लो, दिस इज नॉट ए पॉलीनोमियल, एक्स प्लस 1 बाई एक्स, क्योंकि एक्स नीचे आ गया, एक्स को ऊपर ले जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा पावर, तो पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 9, ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 9, ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 2, नो नॉट ए पॉलीनोमियल, डी इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ओके। इंटीग्रल 0 ऑफ द पॉलीनोमियल, तो निकाल लेना इसको, 3 और माइनस 3 7 आएगा इसका, द रिमाइंडर व्हेन, ओके, द रिमाइंडर 11 क्वेश्चन की देख रहा, ठीक है। तो इस तरह आप बना सकते हो, डिवाइड बाय द रिमाइंडर इज माइनस 1 पुट के, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूँ, आप निकाल सकते हो। और इसमें ए प्लस बी इक्वल टू माइनस 1, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3 ए बी, तो ए प्लस बी है, तो पुट करके आप फॉर्मूला लिख के निकाल सकते हो, ए प्लस बी होल क्यूब के, ठीक है, और उसमें पुट कर देना है, निकल जाएगा अपने आप, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। चलिए यही है हम लोग का, द नंबर ऑफ 0 ऑफ द पॉलीनोमियल 3, जितने पावर उतना ही पॉलीनोमियल का नंबर ऑफ 0 होता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कह रहा है कि दिस एंड दिस आर फैक्टर ऑफ दिस, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज, तो देखो एक्स प्लस 2 फैक्टर है, तो एक्स इक्वल टू माइनस 2 होगा, इसमें माइनस 2 इसमें पुट करना, पुट करने के बाद इसमें पुट करना, पुट करने के बाद इक्वल टू 0 रखना, तो ए प्लस बी में एक इक्वेशन आएगा, फिर एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 करना, एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2 को पुट करने के बाद इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन में चला जाएगा 2 वेरिएबल में, दोनों को फिर सॉल्व करना होगा और निकाल लेना होगा। तो चलिए आज इतना ही, फिर आगे हम लोग देखेंगे, आगे है प्रैक्टिस क्वेश्चन जो फैक्टराइज करना है, नहीं तो फिर बचता है टाइम, तो कल हम लोग लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, ओके।